बच्चों को अंदर वहाँ टॉर्चर करता है और उन बच्चों को ब्लैकमेल करता है सारों को। किसने लगा रखे सीसीटीवी? किसने? योगेश ने। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर बच्चों को टॉर्चर करता है सीसी कैमरे में। किस तरह का टॉर्चर, मतलब किस तरह की? बच्चों को अपसेट करता है। तब भी तो फैल करने का डर दिखा, कभी फैल लगा, कभी फैल करने के लिए कहता है, कभी कुछ कहता है, बच्चों को डरा रखा। और आज की घटना यह है कि बच्चों के बिना माँ बाप को बताए उनके बच्चों के साइन कराए और वो एप्लीकेशन दे रहा था, वो सहमति पत्र, जबकि वो जबकि झूठा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी झूठ बोलता है बिल्कुल। तो लड़कियों और ये भी ऐसा मामला है, इसका कई बार 3-4 बार का मामला, हर बार वो पैसे के दम से दबा देता है और दबंग आदमी किस्म का है, लोगों के साथ मारपीट झगड़ा भी हुआ है। किस तरह से डराया धमकाया हुआ है? पैसे डराया, लड़की को मानसिक रूप से टॉर्चर रखा है कि आपको फैल कर दूंगा, आपकी शादी नहीं होगी, समाज में आपको कोई नाम नहीं लेगा, आप इज्जतदार हो। तो क्या वो ये सुनने में ये भी आया है कि वो जो विद्यालय कक्षा 8 तक ही माने, विद्यालय 8वीं तक है, उसके ऊपर उन्होंने फरोड़ गर्दी चला रखी। बिटिया क्या हुआ था? संध्या सही दवाई दी गई नशे के, पूरी घटना बताओ सर। प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था जी। अच्छा। वहाँ से ले गए थे जी, जुगलपुर कमेड़ा जी। किस स्कूल से गए थे? सूर्यदेव पब्लिक स्कूल से। अच्छा, कमेड़ा गए, वहाँ क्या हुआ फिर? प्रैक्टिकल दिए जी वहाँ, फिर खिचड़ी बनाई थी जी शाम को, उसमें नशे की दवा दी गई। अच्छा, कितनी लड़कियाँ? अच्छा, खिचड़ी किन लोगों ने बनाई थी? सर पहले तो हमने बनाई थी जी, फिर सर ने बनाई थी। वो आपकी बनाई हुई खिचड़ी का क्या हुआ? वो गेर दी थी जी छत पे, लोग कच्चे चावल है। अच्छा, फिर खुद बनाई उन्होंने? हाँ जी। तो उसमें क्या मिला? प्रैक्टिकल किस चीज़ का था? हिंदी का जी। अच्छा, क्या प्रैक्टिकल था सचमुच में? हाँ जी, कॉपी भरवाई थी जी प्रैक्टिकल। बोर्ड की तरफ से कोई तारीख घोषित की गई थी प्रैक्टिकल? ये तो पता नहीं जी, हमें पता हम प्रैक्टिकल दिवाए थे जी हमारे। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? जब बता रहे टीचर ने जो लड़कियों के साथ गलत काम किया? हाँ जी। क्या बताओ, क्या टीचर ने? सब लड़कियों के साथ छेड़खानी करी जी। क्या चाहती हो? कार्रवाई चाहती हो ऐसे लोगों की आप? हाँ जी। तो किस तरह का वो दबाव दे रहा है आपके परिवार पर, आप लोगों पर? ये है कि अपने घर ना बताइए कोई जाएगा कि इनको फेल करवा देंगे, पहले ये दबाव दिया था जी। इस लड़की की भी कर लो जी, इस लड़की की कर लो, कोई बात नहीं, बेटे लग हो जाते। एक मिनट जो, हाँ, बोलो। जो ये लड़की कह रही है वो सच है? क्या क्या घटना हुई? छेड़खानी हुई। किसने करी? प्रिंसिपल सर ने। अच्छा, कहाँ से गया था ये प्रैक्टिकल देने के लिए? आप लोग कहाँ से गए थे, कितने कितने लड़कियाँ गई थी, पूरी बात बताओ। सूर्यदेव पब्लिक स्कूल में से गए थे, योगेश सर लेके गए थे हमको। अच्छा। हाँ जी, 17 लड़की थी हम। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी वो कह दिया कि कच्ची है, वो ऊपर डलवा दी वो छत पे। तो वहाँ से किस समय लेके गए थे, वहाँ किस समय तक रहे? यहाँ से हमें 8 बजे लेके गए थे। क्या कहकर लेके गए थे आपको? प्रैक्टिकल होएंगे कि शाम को रखा वहाँ तुम्हें? हाँ जी। फिर क्या हुआ रात को, क्या हुआ उसने नशीला जो पदार्थ बता रहे थे? नशीला पदार्थ दे के वहाँ से छेड़खानी करी। अच्छा, क्या रजाई गद्दे भी लेके गए थे? हाँ जी, लेके गए थे जी रजाई गद्दे। उन्होंने फिर किराए पे मंगाए थे जी। रात को भी रोका क्यों? तो क्या क्या कार्रवाई चाहते हो आप ऐसे लोगों के खिलाफ? कार्रवाई चाहते हैं कि सजा होनी चाहिए। आपके साथ कोई महिला टीचर भी गई थी उस वक्त? नहीं जी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, क्या घटना हुई? घटना तो बच्चों के लिए बहुत ही शरारती और घटना बहुत ही बेशरम की बात है। एक अध्यापक को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उस पूरा बच्चा है, बच्चों को रात को वहाँ उसमें के प्रैक्टिकल के बहाने ले आ गया है कमेड़े में, और वहाँ बच्चों को रात रोका है, जबकि गार्जियन को उसकी कोई सूचना नहीं है। टीचर ने वहाँ पर ले करके भी गए और उन्होंने किराए में मंगवाया, पूछा गया तो उन्होंने कहा रजाई गद्दा, और बच्चों के साथ उनका व्यवहार बहुत गंदा था। नशे की दवाई भी दी गई उसके साथ साथ उन्हें। क्या घटना हुई? घटना तो यह, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करी उन्होंने। तब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं न्याय चाहते हैं, उसे जेल जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, हम बता रहे हैं कि टीचर धमका रहा है। टीचर धमका रहा है, आप वो बच्चों को फैल कर देंगे, बच्चों को आगे के लिए तुम्हारे जो नंबर है फर्स्ट डिवीजन दिवा दूंगा, पैसे से कराऊँ मैं चेक, कैसे कराऊँ चेक, नंबर 2 से कराऊँ। कौन है टीचर? कहाँ पर? टीचर है योगेश है जी, योगेश सुनो महेंद्र सिंह,
ग्राम महाराज नगर थाना भोपा सूर्यदेव पब्लिक स्कूल। तो बताया जा रहा है जहाँ पे गए थे वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा। मैं वहाँ पर नहीं गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी आपका नाम? सुशील कुमार सैनी। जी ये अभी कल पता लगा हमें, तो वहाँ से मीडिया वाले आए हुए थे कल, उसमें पता लगा कि उनको भाई यहाँ से तो फिर से कुछ लड़की आई हुई थी 10-12, उनने यहाँ रात को रोक के गए प्रैक्टिकल के बहाने से, और उन्हें रात को कुछ खाने में नशीला पदार्थ दिया और उनकी साथ फिर अश्लील हरकत हुई, जिसमें दो लड़की की साथ एक लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ। और उसमें जब हमें पता लगा, हमने जब भी जितने भी वहाँ से स्कूल वाले थे सबको बुलवाए, बुलवा के हमने पता करा भाई प्रैक्टिकल चल रहे या नहीं चल रहे, उसमें पता लगा कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा था। उसके बाद भी मास्टर की मिली भगत थी तो फिर वाले की और तुगलपुर कमेड़े वाले की जो स्कूल वाला था, तो उसके हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और पुलिस उसे ठा कर ले गई थी, और फिर पैसे ले गया क्या हुआ वो फिर मास्टर जी रात को छोड़ दिया। हाँ जी वो बता रहा उनको हमारे यहाँ लड़की रही और रात को भी प्रैक्टिकल के बहाने से रोकी, अगले दिन भी प्रैक्टिकल था लेकिन कोई प्रैक्टिकल नहीं था। थाने में आपने किस तरह की शिकायत की थी? हाँ थाने में शिकायत करी, हमने कहा भाई ऐसा ऐसा घटना हुई, और घटना होने के बाद में हमारे यहाँ लड़की को रोका गया और उसमें ही हमने वो कार्रवाई के लिए एसओ आया और एसओ उठा कर उन्हें ले गया। हाँ पंचायत हुई, सभी मास्टर जितने भी थे वहाँ, कल्याणकारी एलएक्स पब्लिक स्कूल और जितने भी गांव के मान्य लोग थे सभी वहाँ थे, सब पंचायत में। और मास्टर ने हंगी इस बात को खा, मेरे यहाँ लड़की रुकी और लड़की रुकने के बाद में नुको भाई उसमें वहाँ तोफीर से आई थी और प्रैक्टिकल था। हाँ संदेह की बात थी, संदेह में ही हो रहा था जी, नहीं तो जिसके पास मान्यता नहीं वो कैसे प्रैक्टिकल दुआ होगा, कोई सरकार का निर्देश ही नहीं है कुछ नहीं है। हाई स्कूल की छात्रा। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई क्या की? पुलिस उठा के लेगी, लेकिन नेताओं के दबाव में या क्या हुआ वो परिस्थिति पता नहीं क्या था, वो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, विद्यालय में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हमने उनसे फुटेज मांगी, पत्रकारों ने भी फुटेज मांगी, उनके साथ बदतमीजी हुई और फिर बाद में उसने कह दिया जी फुटेज डिलीट होगी। थैंक यू।